Hello student, welcome back in another video of class 9th science biology. In last video we complete the first part of this chapter, plant tissues, meristematic tissue and permanent tissue. Okay, today we start the second part of this chapter, animal tissues. We discuss all the type of animal tissues which are present in an animal body briefly. Okay students. ओके इन लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था प्लांट टिश्यू किस टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन किया था, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. देन वी स्टार्ट परमानेंट टिश्यू. देर आर टू काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इन सिंपल परमानेंट टिश्यू वी स्टडी अबाउट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वी स्टडी अबाउट xylem and phloem. Okay, so in last video we complete our first part of this chapter, so today we start the second part of this chapter and very important part of this chapter, animal tissues. So let me start our new topic, animal tissues. Kya hote hai animal tissue? Okay, aur tissue jab maine chapter start kiya tha to uske andar tissue ki definition batai thi. What is tissues? Okay, a group of cell which are similar in function and structure and origin, they form a unique function. This is called tissues, and the tissue word is given by Grew. Okay, one more line you add in this definition, histology. Okay, histology, the study of tissue, the branch of science in which we study about tissue is known as histology. Okay, कई बार पूछ लेते हैं MCQs के अंदर, what is histology? The branch of science, the branch of biology in which we study about tissues is known as histology. Okay, histology. Now we discuss about animal tissue. First of all, we deal with the classification of the animal tissue. Then one by one we study all the kinds of tissues which are present in animal body. Okay, so animal tissues are of फोर टाइप्स. एनिमल टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिथीलियल टिश्यू. सेकेंड इज नर्वस टिश्यू. थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज मस्कुलर टिश्यूज. ओके, सो चार टाइप के टिश्यूज होते हैं एनिमल टिश्यूज. फर्स्ट एपिथीलियल, नर्वस, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू. एपिथीलियल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स, स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, इनको एपिथीलियम भी बोल देते हैं. ठीक है, एपिथीलियम और एपिथीलियल एक ही वर्ड है. स्क्यूमस एपिथीलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू, कॉलमनार एपिथीलियम टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू. सो देर आर फोर टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू और एपिथीलियम टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एन बॉडी. ओके, नेक्स्ट टाइप इज नर्वस टिश्यू. इन नर्वस टिश्यू वी डिस्कस अबाउट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. नेक्स्ट टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू. मोस्ट अबंडेंट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. इन कनेक्टिव टिश्यू वी डिस्कस अबाउट बोन्स, ऑल द टाइप्स ऑफ बोन्स. ऑल ऑफ यू नो दैट जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, 300. ओके, 300 बोन्स आर प्रेजेंट व्हेन न्यू बॉर्न बेबी इज देयर. ओके, 300 हड्डियाँ आती है उसके अंदर, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, तो ये कुछ जो बोन्स होती है वो आपस में जॉइंट हो जाती है. और जब पूरा एडल्ट बनता है तो एडल्ट के अंदर जो हड्डियों की या बोन्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट. ओके, बट इन न्यू बॉर्न बेबी देर आर 300 बोन्स आर प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट इज लिगामेंट. ओके, बोन्स टू बोन्स, बोन को बोन से जोड़ने के लिए उनके बीच के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट. ओके, बोन्स टू बोन्स, दे जॉइन बोन्स टू बोन. ओके, नेक्स्ट वन इज टेंडन. टेंडन, अब बोन्स के ऊपर जो मसल्स होती है उनको बोन से जॉइन करने के लिए जो टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं टेंडन. ओके, टेंडन जॉइंस बोन्स टू मसल्स. ओके, जॉइन बोन्स टू मसल्स. Then we study about cartilage. Okay, cartilage tissues are present in our body. Ear, okay, the outermost structure of ear is made up by cartilage. The outermost structure of nose is made up by cartilage. Okay, then we study about areolar tissue.
adipose tissue, fat tissues, and blood. Blood is also known as fluid connective tissue. Fluid connective tissue. Okay, fluid connective tissue. Okay, we briefly, when we study about blood, then we study about briefly what is blood and the component of blood, RBC, WBC, platelets. Okay, and basophil, neutrophils, which are present in these cells, we study in briefly when we study about blood. जब blood की study करेंगे तो blood के जितने भी components हैं उन सभी की study करेंगे. Okay, next tissue is muscular tissue. In our body, muscular tissue, there are two type of muscles are present in our body. Voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary muscles वो muscles होती है जिनके ऊपर हमारा control होता है. जैसे हमारे hand की जो muscles हैं उन पे हमारा control है. ठीक है, अपने अपने control से इसको हिला सकते हैं. These are known as voluntary muscles. और involuntary muscles जिनके ऊपर हमारा control नहीं है वो अपने आप control हो रही है. Okay, these are known as involuntary muscles. Involuntary muscles are further classified into two types, smooth muscles and cardiac muscles. And voluntary muscles are skeletal muscles. These are skeletal muscles which are present in upper limbs and lower limbs. Okay, जिनको हम हिला सकते हैं अपनी will power से. These are known as voluntary muscles, are controlled by our will power. Okay, involuntary muscles which are not controlled by our will power, smooth muscles and cardiac muscles. Okay, so this is the classification of the animal tissue. One by one we discuss all the kind of tissues. Okay, so today we deal with first of all epithelial tissue. क्या होता है epithelial tissue? Okay, हमारी skin है जो, ये क्या है? Epithelial tissue है. कुछ हमारे body के अंदर जो visceral organs है उनकी जो lining होती है, okay, जो underlining होती है उन cells की या जो blood vessels है वहाँ पे कौन सा tissue होता है? Epithelial tissue होता है. और इसके भी कई type होते हैं, किस type की cells होती है? According to the shape of the cell, they are further classified into four types: squamous, cuboidal, columnar and glandular. अब cuboidal and columnar also a type, also having a type ciliated. Okay, if the cilia are present on the cuboidal epithelial tissue, then these tissues are known as ciliated cuboidal epithelial tissue. If the cilia are present on the columnar epithelial tissue, then these kind of tissues are known as ciliated columnar epithelial tissues. Okay, and these ciliated columnar or cuboidal epithelial tissues are present in the specific organs in our body. Okay, sab bataunga kahan kahan ye bante hain. Okay, so start epithelial tissue, or these are known as epithelium tissue. Epithelial tissue or epithelium tissue, it consists of single layer of cells. Single layer of cells, agar ye single layered hai to ye simple epithelial tissue. Aur agar ek se zyada layer ban rahi hai, ek se zyada layer ban rahi hai, yani ki two layer, three layer, to unko bol dete hain stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue, it consists of single layer of cells, blood vessels are absent, yani ki in tissues ke andar blood vessels absent hoti hai. It cover all the organs, the skin, lining of mouth. Okay, in buccal cavity the lining of mouth is made up by epithelial tissue. Lining of blood vessels, jitni bhi blood vessels hai un sabhi ki lining kisse bani hoti hai? Epithelial tissue se. Kidney tubules, हमारी kidney के अंदर जो tubules होती है उनकी जो lining होती है वो किससे बनी है? Epithelial tissue, etc. are made up of these tissues. Okay, the lining of the organs, the lining of the tubules, the lining of the blood vessels is made up by epithelial tissue. For example, alveoli. Alveoli is a blood vessels. Yeah, the lining of the alveoli is made up by epithelial tissue. So the first type of epithelial tissue is squamous epithelial tissue. Okay, squamous epithelial tissue, the diagram is represented the squamous epithelial tissue. Ab is tissue ke andar aap dekhoge simple structure padhi hai, simple type of cell ki, only one layer. Okay, so it is known as simple squamous epithelial tissue. Ab in cell ke paas khud ka nucleus hai, cytoplasm hai, aur
इन सेल्स के नीचे क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, जब हमारे चोट लग जाती है तो वाइट स्किन निकल आती है, तो वो वाइट स्किन क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सब्सटेंसेस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज एन सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली थिन काइंड ऑफ एपिथीलियम विच इज नेम्ड एज सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियम टिश्यू। ओके, सिंगल लेयर पड़ी है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म हो रहा है, जैसे हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, ठीक है, नेजल कैविटी में जाएगी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ये पहुँचती है फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स दो ब्रांचेज में बढ़ता है, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। ओके, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया ओपन इनटू लंग्स। ओके, लंग्स के अंदर जाते हैं, दोनों लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग और राइट लंग के अंदर। ओके, लंग्स के अंदर जाने के बाद ट्रैकिया किस में बढ़ता है, ब्रोंकी के अंदर। ओके, ब्रोंकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी, देन ब्रोंकी आर ओपन इनटू ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स किसके अंदर खुलता है, एल्वियोलाई के अंदर। और ये एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है वो किस टिश्यू से बनी होती है, स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, इसोफेगस, लंग्स, एल्वियोलाई एटसेट्रा। ओके, कहाँ कहाँ होती है, माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, द बक्कल कैविटी लाइनिंग इज मेड अप बाय सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, इसोफेगस, द फेरिंग्स इज ओपन इन टू टू स्ट्रक्चर्स, विंड पाइप एंड फूड पाइप, द फूड पाइप इज नोन एज इसोफेगस। ओके, द फूड पाइप इज नोन एज इसोफेगस, इसोफेगस ओपन इन टू स्टमक। ओके, सो इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है, सिंपल स्क्यूमस टिश्यू, और इस इसोफेगस के अंदर पैरास्टेलेटिक मूवमेंट होती है, जिस पैरास्टेलेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड किसके अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। सो द इसोफेगस, लंग, एल्वियोलाई, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट, सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यूज, ओके, सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, देन वी स्टडी अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। आप देखो, जैसे ये एक स्क्यूमस टिश्यू सिंपल, ओके, अब इसके ऊपर मान लो एक और स्क्यूमस आ गया। ओके, अब इसके ऊपर मान लो एक और लाइनिंग आ गई, किसकी, स्क्यूमस टिश्यू की। तो अब जो स्ट्रक्चर बन रही है, जो टिश्यू बन रहा है, इस टिश्यू को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, सेल के ऊपर सेल एक लाइनिंग बनती जा रही है, ओके, लाइनिंग लेयर बनती जा रही है सेल्स की, तो इसको बोलेंगे स्क्यूमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। अब इन सेल के पास भी क्या, खुद का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, अब ये कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू। हमारी जो स्किन है, ओके, ये किससे बनी हुई है, एपिथीलियल टिश्यू से बनी हुई है। स्किन एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर, यहाँ मैनी लेयर्स हैं। ओके, स्किन एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथीलियल एपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम टिश्यू। यानी लेयरिंग पाई जा रही है किसकी, स्क्यूमस एपिथीलियम टिश्यू की। ओके, सो ये कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। ओके, नाउ वी मूव ऑन फंक्शन ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, क्या क्या फंक्शन होते हैं एपिथीलियल टिश्यू के। ओके, द फर्स्ट, ये सभी के हैं, ये क्यूबॉइडल के हैं, कॉल्यूमिनार के हैं और स्क्यूमस के, सभी के फंक्शन एक के अंदर मैंने किया। ओके, एपिथीलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो कैविटीज़ बॉडी के अंदर है, उनकी जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है,
एपिथेलियल टिश्यूज़ है, ये स्क्यूमस हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है और कॉल्यूमिनार हो सकती है. सेकंड, इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने का काम भी कौन करता है? स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू. थर्ड, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब हमारी स्किन क्या कर रही है, देखो होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर. होम्योस्टेसिस मतलब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इसको मेंटेन करने में हेल्प कौन कर रहा है? हमारी स्किन कर रही है. ओके, सो होम्योस्टेसिस ऑल्सो मेंटेन बाई एपिथीलियल टिश्यू. नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. अब इसका नाम ही क्या है, क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, सो दीज टिश्यूज आर नोन एज क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. अब इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो सारी सेल कैसी लग रही है, क्यूब लाइक लग रही है. ओके, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है, सो दीज आर नोन एज क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. दे आर ऑल्सो हैविंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स. जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उनकी जो लाइनिंग होती है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. हमारे माउथ के अंदर थ्री टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर द ईयर. ओके, सब मैगजिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल टू टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द टंग. सो दीज स्लाइवरी ग्लैंड्स डक्ट्स लाइनिंग इज मेड अप बाय क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यूज. ओके, इन सम केस ए पोर्शन ऑफ द एपिथीलियल टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप का टिश्यू जो बन रहा है, ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू. वो किससे बन रहा है? इस क्यूबॉइडल से बन रहा है. इन सम केस ए पोर्शन ऑफ द एपिथीलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स टू फॉर्म ए मल्टीसेलर ग्लैंड. दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू. कैसे होता है, देखो मान लो ये क्यूबॉइडल सेल्स है. अब इनमें से एक या दो क्यूबॉइडल सेल क्या करती है, अंदर की तरफ ये फोल्डिंग करती है इस टाइप से. ओके, अब फोल्डिंग करने के बाद ये क्या बनाती है, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करती है. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन किससे होती है, एपिथीलियल टिश्यू से होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल थायरॉयड ग्लैंड होगी. ओके, थाइमस ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी फॉर्मेशन किससे हो रही है, इसी टिश्यू से हो रही है. ओके, सो ग्लैंडुलर टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय दीज काइंड ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू. ओके, नेक्स्ट, इट परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसी के तरीके का फंक्शन किसका होता है, कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू का होता है. लेकिन कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है. अगर अब क्यूबॉइडल सेल्स हैं, अगर एक क्यूबॉइडल सेल के ऊपर एक और क्यूबॉइडल सेल आ गया, फिर एक और क्यूबॉइडल सेल की लेयरिंग होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. सेम कॉलुमिनर में होता है, एक कॉलुमिनर लेयरिंग, सेकेंड, थर्ड, अब इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यूज. ओके, और अगर इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीलिया पाया जाए तो इनको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू. और जहाँ पे सीलिएटेड क्यूबॉइडल और सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं उस ऑर्गन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन. उस फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या कुछ मूवमेंट्स होती है जो फूड पार्टिकल्स को या कोई सब्सटेंसेस जो बॉडी है उनको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं. वो आगे खिसकाने का काम करते हैं म्यूकस को, और क्लीनिंग जो करती है जो ब्लड वेसल्स है या जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो क्लीनिंग का फंक्शन होता है वो भी कौन करता है, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू. नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू. अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की सेल होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके,
a pillar-like structures are present, so these are known as columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue. अब नीचे इनके भी अंदर भी क्या है? Basement membrane. ये इनके पास basement membrane आ गई. Okay, इनका cytoplasm है, nucleus है इनके पास. So this is the structure of simple columnar epithelial tissue. Where absorption and secretion occur, as in the inner lining of the intestine. Okay, tall epithelial cells are present and are named as columnar epithelium tissues. ये क्या pillar like structure है, tall cells है, जहाँ secretion और absorption का function हो रहा है वहाँ ये cell पाई जाती है. In the respiratory tract, जो हमारा respiratory tract है, on the outer surface of epithelial cells, there are hair-like projections called cilia. अभी मैंने बात की थी, जिनके अंदर cilia होता है, तो वो क्या बोलेंगे? Ciliated epithelial tissues. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. ये clearing function भी करती है. This type of epithelial is called ciliated columnar epithelial tissues. Okay, जिसके अंदर cilia होंगे उनको क्या बोलेंगे? Ciliated epithelial tissue, ciliated columnar, ciliated cuboidal, squamous में नहीं होते cilia. और अगर layering हो cells की, okay, तो इनको क्या बोल देंगे? जैसे अगर cuboidal के अंदर layering है cuboidal cell की, तो उनको बोलेंगे stratified cuboidal epithelial tissue. और अगर columnar की layering है एक के ऊपर एक इस type से, तो उनको क्या बोलेंगे? Stratified columnar epithelial tissue. So student, today we discuss about epithelial tissue, the classification of animal tissue, and in this video we discuss about epithelial tissue and various type of epithelial tissues which are present in a human body. Okay, in next video we deal with nervous tissue, connective tissue and muscular tissue. So thank you, student.